से काम कर रही थी तो कितने दिन तक काम किए हैं? हम एक एक महीना कर रहा है दुई हफ्ता का पैसा आवा 2000 रुपया छाड़ के मैं नहीं पाऊँ। काम कागज मंगाए कि अपना कागज दिखाओ तो मैं आपा पासबुक दिखाऊँ का इसमें पैसा तो सब निकल रहा है का सब तुम्हारा पैसा नहीं मिला। अब बहन जी हम नरेगा को जान के तकीन तुम्हारे पौधा माँ फिर पौधा के अलावा एक एक महीना पर काम की फिर उस नदिया माँ वहाँ एक एक महीना काम की। अब वो पैसा ना चढ़ा रही तुम्हारे खपड़ी में चढ़ा रही कागज में ना चढ़ा रही आए तो ये समस्या है कि जो काम हो कि तो पैसा नहीं बहन जी पाई पे अब काम तुमसे दुख रो। तो कितने दिन काम किए हो? 20 तो कितना पैसा मिला है? आधा कितना? 2000 दो हफ्ता के 2000 और पड़ा है वो। तो आप लोग प्रधान से या पंचायत में से बात किए? अरे वो काफी जा तुम हुआ पता कर। अगर कोई काम उसमें मानक भी है काम का प्रतिदिन एक कड़ाही 10x6 की 60 घन फीट मिट्टी निकालना है। अगर कोई मजदूर उससे मानक से कम काम करता है तो नाप में उसकी मजदूरी कम हो जाती है। इस तरह से मजदूरी कम हो जाती है। किसी ने 2 घंटे ही काम किया 3 घंटे काम किया तो उतनी मजदूरी नहीं कर निकाल पाते हो। जिन लोगों का पड़ा हुआ है जैसे आदिवासी लोग आ जाते हैं या एससी बस्ती के रिश्तेदार आ जाते हैं लड़कियाँ आ जाती हैं वो काम करने लगती हैं और वो जैसे मान लीजिए काम किया और हाजिरी इधर उधर हो गई तो जिसके कारण इनका पैसा मनरेगा में फंस जाता होगा तो उसके लिए बहुत लोगों का पैसा निकल गया है जो बह गए हैं उनका आगे मनरेगा का कार्य होगा इसमें उनका पैसा निकलवाने का प्रयास। और जो काम किए हैं जितने मजदूर निकले हैं उनको उतनी मजदूरी निश्चित रूप से मिली हुई है। कहीं कुछ खाते त्रुटि बस गलत है यदि हो गए होंगे तो उन्हीं को नहीं मिली होगी ना शेष सभी को। जितने दिन के मजदूर निकले थे उतने दिन की मजदूरी उन्हें मिली। अगर आप इस तरह की ग्रामीण पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया।